हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनोज रावत और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और जापान में जॉब करता हूं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज का खूबसूरत सा नज़ारा, क्योंकि कल रात से बर्फबारी हो रही है। सब अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं आज सबसे ज़्यादा फ्री, क्योंकि अपनी आज छुट्टी, बर्फबारी होती है तो फिर अपने यहाँ इतना काम नहीं होता है तो कस्टमर आते नहीं हैं। तो अभी भी बर्फबारी जारी है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी सुबह की बज रही है 8 और टेम्परेचर आज 0 पे, तो काफ़ी अच्छा सुहावना सा मौसम बना हुआ है। तो अब देखते हैं आज क्या क्या प्लान है। वैसा तो आज प्लानिंग ये है कि हम शायद आज जापानीज का जो ट्रेडिशनल फूड होता है सुशी, उसको खाने जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो अभी दिन की बजे हैं 12। अभी आसमान थोड़ा साफ हो गया है और जो बर्फ़ गिर रही थी सुबह से थोड़ा थोड़ा, वो अभी गल गई है। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। आज जो जापानीज का ट्रेडिशनल फूड होता है सुशी, उसको खाने जा रहे हैं। अब आपको भी लेके चलते हैं। तो दोस्तों, अभी दिन की बजे हैं 12 और इस समय अच्छी खासी धूप खिली हुई है और जो बर्फ़ गिरी थी कल रात से वो भी अभी गल गई है, क्योंकि इतनी हैवी स्नोफॉल हुई नहीं थी। तो लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। टेम्परेचर वही 0 पे है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। आज हम जा रहे हैं जो जापानीज़ का ट्रेडिशनल फूड होता है सुशी खाने, तो देखते हैं कैसे एंजॉयमेंट आता है। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए, ये है सुशी वाला रेस्टोरेंट। तो अब हम जा रहे हैं अंदर और ये जैसे आप अंदर आते हैं वैसे आपको अपनी सीट रिजर्व करनी पड़ती है और यहाँ से कंप्यूटर से आपको टोकन लेना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे, अभी हम रिजर्व कर रहे हैं। तो ये अभी ये हो गया हमारा रिजर्व। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। आज रेस्टोरेंट खाली है क्योंकि क्रिसमस है। और ये आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन की तरह आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, इन पे जो सुशियाँ रखी हुई है ये हर समय चलती रहती है ऐसी चारों तरफ। तो इसमें अगर किसी कस्टमर को लेना हो तो निकाल देते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ये दो जार, अगर किसी कस्टमर को कोई चीज़ पसंद आई होगी तो उसने ले ली है, अब इनको फिर फिलअप कर दिया जाएगा। तो काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से बनाया हुआ रेस्टोरेंट है ये, तो मज़ा आता है कभी ऐसे देख के, तो जिसमें एंजॉय और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो ऊपर साइड में ये ऑर्डर आता है और जो नीचे साइड में ये चलता रहता है, देख लो आप। अब ये जो ऑर्डर जो भी होता है वो सारा कंप्यूटर से देना पड़ता है, ये जापानीज़ और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है तो इसलिए हम भी ऑर्डर कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ जापानीज़ में थोड़ा टफ हो जाता था हमारे लिए भी।
लेकिन काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी भी भाषा से हो तो मतलब आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं ऑर्डर जो जो हमें खाना है। तो ये जी हमारा आज का सुशी का प्रोग्राम इतादाकिमास। तो अब हो गया सर हमारा पेट पूजा और बड़ा अच्छा मज़ा आया, काफ़ी टेस्टी था सुशी। तो अब हम चेकआउट करेंगे, कंप्यूटर से इसका बिल होगा। ये आप प्लेटें हैं जो डस्टबिन में डालेंगे, इधर ही से एक एक करके सारा प्लेट जितना भी अपना टिशू टासू जो भी होगा सब इसके अंदर फेंक देंगे। और उसके बाद हम चलेंगे काउंटर पे बिल देने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आया, टेस्टी भी था और अच्छा एंजॉयमेंट किया है सुशी को। तो चेकआउट करें यहाँ पे, ये तो प्लेट का बटन दबाया, चेकआउट चेकआउट। दोस्तों अब हमारा हो गया चेकआउट और अब हम चल रहे हैं बाहर काउंटर की तरफ। और ये यहाँ पे हमें इतनी जैपनीज पढ़नी तो आती नहीं, तो ये देख लो आप काउंटर पे बिल स्कैन कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो ये जितना भी बिल आया है वो हमारे परम मित्र जोशी जी डाल रहे हैं अभी पैसे इसमें, और इन्होंने डाला इसमें एक मान। तो हमारा बिल बना है साहब 1810 येन। तो अब इसके अंदर पैसे डाल दें तो अब जितना भी हमारा बैलेंस होगा वो सब वापस आ जाएगा। मतलब सेल्फ बिलिंग कह सकते हैं आप इसको। तो ये हो गया हमारा बिल और अब हम चलते हैं बाहर। तो ये था दोस्तों जो जैसा जापान में सुशी की रेस्टोरेंट होते हैं, ये इसके अंदर गए थे तो काफ़ी टेस्टी था, तो अच्छा लगा।